हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये है क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश फ्लेमिंगो लेसन टू लॉस्ट स्प्रिंग। चलिए गाइस इसको देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि स्टोरी है, स्टोरीज यहाँ पर, यानी कि दो कहानियाँ हैं। किसकी कहानियाँ हैं? ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड का मतलब क्या है? स्टोलन क्या आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी चोरी हो गया हो, जैसे स्टोलन बाइक, चुराई हुई बाइक। चाइल्डहुड का मतलब है बचपन, यानी कि बचपन कहीं ना कहीं छिन गया हो, चोरी हो गया हो। तो बहुत घुमाकर लिखते ना लेखक लोग, तो उस छिने हुए बचपन के बारे में कुछ कहानियाँ हैं। यहाँ लिखा है अबाउट द ऑथर, यानी कि लेखक के बारे में। पढ़ते हैं। अनीस जंग जो राइटर है, ऑथर उसका नाम है अनीस जंग, 1964 यानी कि 1964 में इनका जन्म हुआ। वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस इन हैदराबाद। ओके, तो ये जो अनीस जंग है, चूँकि यहाँ पर हर लिखा है तो हर से पता चल रहा है कि ये महिला है, फीमेल है। तो अनीस जंग जो कि लेखिका है, 1964 में पैदा हुई। वॉज बॉर्न कहाँ पैदा हुई? इन राउरकेला। राउरकेला एक जगह है। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और अपना बचपन जो उन्होंने व्यतीत किया, बिताया। एंड एडोलसेंस, और अपना जो एडोलसेंस का मतलब है कि ट्वेल्थ ग्रेजुएशन, जो उनका किशोरावस्था है, वो सब जो बिताया इन हैदराबाद, हैदराबाद में उन्होंने बिताया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, हैदराबाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और साथ ही साथ कुछ पढ़ाई उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी पूरी की। आगे देखिए, हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, जो दोनों पेरेंट्स हैं वो सब राइटर्स थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, तो ये जो लेखिका है इन्होंने अपना जो करियर है उसकी शुरुआत की। देख रहे हैं, अनीस जंग बिगेन हर करियर, अपने करियर की शुरुआत की एज अ राइटर, एक लेखिका के रूप में इन इंडिया, भारत में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रोड एंड हिज एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसको देखिए। देखिए शी हैज़ बीन, कभी भी हैज़ बीन आ जाए, जैसे कि शी हैज़ बीन इल, She has been an editor, इसका मतलब है कि अभी नहीं है, लंबे समय से है, इसे ही पता चलता है। अगर मैं 5 दिनों से बीमार हूँ तो मैं बोलूँगा I have been ill for 5 days, मैं ये नहीं कह सकता कि I am ill for 5 days, वो गलत हो जाएगा। तो she has been an editor, वो एक editor हैं, और क्या है, एक columnist हैं। कब से हैं भाई? तो लंबे समय से, has been से पता चल रहा है। For major newspapers, किसके लिए वो काम करती है editor का? तो न्यूज़पेपर्स के लिए काम करती, मेजर मतलब जो अच्छे लेवल के न्यूज़पेपर, उनके लिए काम करती, जो भारत में है इन इंडिया एंड अब्रोड, और विदेशों में भी जो न्यूज़पेपर्स है वहाँ के लिए वो काम करती। एंड हैज़ ऑथर्ड, ये जो हैज़ आया है, देखिए यहाँ पर शी सब्जेक्ट है और ये उसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगा है, ऑथर्ड मेन वर्ब लगा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, ऑथर्ड मतलब लिखा है उन्होंने, कई सारी किताबें लिखी। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक। द फॉलोइंग यानी कि जो नीचे जो कहानी है, वो कहानी जो है एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट, इसको एक्सर्प्ट एक्सर्प्ट ऐसे बोल सकते हैं। एक्सर्प्ट का मतलब क्या है कि एक अंश, एक टुकड़ा है। फ्रॉम हर बुक, उनकी एक किताब से, किताब का नाम है टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग मौसम होता है, जब सब कुछ ठीक होता है, अच्छा खुशनुमा मौसम होता है। तो उसी तरीके से लॉस्ट स्प्रिंग उनकी किताब का नाम है, उसमें से कहानी लिया गया। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसमें बचपन को, बचपन जैसे छिन गया हो, ये वाली कहानी है। हेयर शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम द चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब हेयर शी एनालाइजेस, तो इस कहानी के अंदर वो एनालाइज करती है, वो ऐसा समझती हैं द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जो पिसती हुई जो गरीबी है, जो ऐसी गरीबी जो पीस कर रख दे, ऐसी पीसने वाली जो गरीबी है, एंड ट्रेडिशन, ये जो परंपरा है, विच कंडेम द चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इन बच्चों को कंडेम करते हैं। अब कंडेम का एक मतलब तो होता है कि क्रिटिसाइज करना, कंडेम होता है किसी के बारे में बुरा बोलना। एक कंडेम होता है कि किसी को उस जगह पे ले जाना, जैसे बिल्कुल एक सजा सा सुना देना, वो भी कंडेम में आता है। तो एक तरीके से यहाँ मतलब यही निकल रहा है कि ये जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी और ये जो ट्रेडिशन है, ये क्या कर रही है, बच्चों को वहाँ उस दहलीज तक पहुँचा रही है, द चिल्ड्रेन टू अ लाइफ, ऐसी ज़िंदगी कि सजा उसे सुनाई जा रही है ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें बहुत ही शोषण है, बहुत ही प्रॉब्लम है। तो ये कहने का मतलब है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोटिस दीज एक्सप्रेशंस, एक मिनट, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द
टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट में जो एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश के उसको नोटिस करें, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और जो भी कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, उससे इसकी मीनिंग को इन्फर करें, मीनिंग का अनुमान लगाए निकाले, इन्फर मतलब अनुमान लगाना। ऐसे यहाँ पर लिखा है लुकिंग फॉर, वैसे तो लुकिंग फॉर का मतलब कोई चीज़ आप तलाशते हैं, ढूंढते हैं, वो लुकिंग फॉर होता है, तो वही इसका मतलब होगा। एक्चुअली इसमें लिखा है कि आप जब पढ़ेंगे स्टोरी तो स्टोरी में ये क्या मतलब रखता है, यू नो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको अनुमान लगाना है। यहाँ लिखा है कि स्लॉग देयर डे लाइट्स आवर्स, स्लॉग का मतलब होता है मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, डे लाइट दिन रात, जो डे लाइट है ना, डे लाइट आवर्स जो दिन भर के जो घंटे हैं, मेहनत करना, कुछ होगा कहानी से रिलेटेड, आगे ही देखना पड़ेगा। रूफ ओवर इज हेड, यानी कि छत पर जो रूफ है, जो सॉरी सर पर जो छत है, हिंदी करने में प्रॉब्लम हो रही है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यहाँ लिखा है परपेचुअल का मतलब होता है कि बिल्कुल कंटिन्यू जो चल रहा है, स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब है कि जो जो गरीबी, जो भुखमरी है, जो गरीबी है, उसकी अवस्था चली रही है। डार्क हटमेंट्स लिखा है, अब डार्क कई मतलब होते हैं, डार्क मतलब एक बिल्कुल काला, धुंधला, डार्क, बेकार, खराब, ये भी होता है। हटमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो झोपड़ियाँ वगैरह होती है, हट का जो एक ग्रुप हो गया उसे हटमेंट्स कहते हैं। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, अब इम्पोज मतलब थोप देना होता है, बैगेज का मतलब सामान ऑन चाइल्ड, बच्चों पे। अब ये देखना पड़ेगा पढ़ के कि क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, यहाँ पर लिखा है कि कभी कभी मुझे मिलता है एक रुपए इन द गार्बेज, यानी कि गार्बेज में, गार्बेज का मतलब जो कचरा है, कचरे के ढेर में। अब यहाँ से शुरू करते हैं। व्हाई डू यू डू दिस, क्वेश्चन है, आप ऐसा क्यों करते हो, व्हाई डू यू डू दिस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ, हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसको मैं, जिसका मैं सामना करती हूँ, एनकाउंटर का मतलब फेस कर रहा है, जिसको मैं फेस करती हूँ एवरी मॉर्निंग। मैं आपको बता दूँ कि ओल्ड फैशन्ड काफ़ी वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं गाइस। एनीवेज लिखा है कि स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। देखिए स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, वैसे तो स्क्राउंज का मतलब ढूंढना भी हो गया कि स्क्राउंज करना आप ढूंढ रहे, बट स्क्राउंज का मतलब होता है किसी से कोई चीज़ मांगना कि ये परमिशन दे दो, मैं ये करूँगा, ये दे दो, स्क्राउंजिंग है। लेकिन यहाँ पर स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड का मतलब है कि वो कुछ ऐसा गोल्ड को तलाश रहा है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज। एक्चुअली आगे जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड मतलब सोना यहाँ पर नहीं है, गार्बेज में से ये जो बच्चे हैं, जो कचरा बीनते हैं, इनको जो मिलता है वो सोने से कम नहीं, इसलिए गोल्ड गोल्ड कहा गया है। तो क्या इसने कहा है राइटर ने, कि उसने एक सवाल पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो मैंने साहेब से पूछा। साहेब कौन है, वो एक लड़का है जो कि कचरे चुनता है, हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसको मैं हर सुबह देखती हूँ क्या कर रहा होता है, तो स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, जो कचरे का जो डंप है, जो ढेर है, उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में है। आगे देखते हैं। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब नाम का जो लड़का है उसने अपने घर को बहुत पहले ही छोड़ दिया। सेट अमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप इसको देखते हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है माउस का। देखिए लिखा है कि सेट अमिट्स, सेट का मतलब जो स्थित है, जो है वहाँ पर, अमिट्स का मतलब होता है के बीच में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका एक जगह है, बांग्लादेश आपने सुना होगा, तो ढाका के उस ग्रीन फील्ड्स में, वो हरी हरे भरे खेतों में उसका घर था, यू नो सेट स्थित था, तो वह कि वहाँ पर हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, तो अब जो उसका घर है, जो उस जगह पर था, वो दूर के भी मेमोरी में, डिस्टेंट मेमोरी में भी वो नहीं है, अब उसके याद में वो घर तक नहीं है। देयर वर, माउस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट ऐसे करना पड़ेगा, सेम, चलिए ऐसे देख लीजिए कैसे। देखिए देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, बड़ा मुश्किल है तो, एक मिनट गाइस, यही प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। देखिए देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, यानी कि बहुत सारे स्टॉर्म्स थे, आंधी तूफान थे, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उसके खेतों को, उसके घरों को सब बहा करके ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ इसको सब कुछ बताती कि बेटा बहुत आंधी तूफान आए और सब घर को तबाह करके ले गए। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। दैट इज़ वाई, इसलिए दे लेफ्ट, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया
लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड मतलब अच्छी चीज़ जो मतलब जो चाहिए उनको, गोल्ड कहा गया है, चलिए गोल्ड ही हम कह देते हैं कि लुकिंग फॉर आ गया ना, उसकी तलाश में, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में आए ताकि उन्हें वो सब कुछ मिल सके जो उनको चाहिए. वेयर ही नाउ लिव, जहाँ पर वो रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कुछ करने के लिए नहीं है. ही मटर्स, मटर्स का मतलब है धीरे धीरे ऐसे बुदबुदाना, उसने बुदबुदाते हुए कहा मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है. जब क्वेश्चन पूछा गया ना कि वाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हो, तो जवाब क्या आया, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं. लुकिंग अवे, इधर देखते हुए उसने बोला कुछ करने को नहीं है. गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, आई से ग्लिबली, अब लेखिका कह रही कि मैंने अचानक बोला कि स्कूल जाओ. ग्लिबली का मतलब होता है एकदम फटाफट ऐसे बोल देना, बिना सोचे समझे नहीं बोल देते हैं, तो ग्लिबली बिना सोचे समझे मैंने बोल दिया स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत ये रियलाइज भी कर लिया, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. हॉलो एडवाइस का मतलब खोखला एडवाइस, कि कितना खोखला जो एडवाइस है बिना सिर पैर का एडवाइस, साउंड का मतलब है कैसा लगा होगा, कैसा सुनाई दिया होगा, कैसा उनको फील हुआ होगा, ये बात है. तो कुछ यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो ये समझ में आया कि एक साहेब नाम का लड़का है जो कि जिसका घर कहाँ था, बांग्लादेश में घर था, वो ग्रीनरी वगैरह था, हरियाली थी, खेत में था, लेकिन बहुत सारा जो तूफान वगैरह आया उससे उसके घर बह गए, तो उसके सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो शहर में आ गए गोल्ड की तलाश में, यानी कि अच्छी चीज़ों की तलाश में यहाँ पर आ गए. अब वो यहीं पर रहता है. क्या करता है वो, तो कचरा चुनता है, कचरा बिनता है, वो रैक पिकर है वो. तो अचानक जो लेखिका है उससे मिले, उसने पूछा कि भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उसने क्या कहा, हाँ स्कूल क्यों नहीं जाते हो या क्या करते हो, तो उसने बोला कि मैं कुछ करने को नहीं है. तो इसने बोला स्कूल क्यों नहीं जाते हो, फिर इसने रियलाइज़ किया कि मैंने बोल तो दिया बट कैसे स्कूल जा सकता है, यू नो, अजीब सा एडवाइस लगा. बस यही, आगे देखते हैं गाइस. देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, उसने कहा. वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो लोग एक स्कूल बना देंगे आई विल गो, मैं जाऊँगा. ये आपका जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना उसमें है, ये कंडीशनल फर्स्ट है कि जब वो बनाएंगे तो मैं जाऊँगा, जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वेन यू कम आई विल टीच यू, वो है. इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, फिर लेखिका ने कहा, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे. आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, हल्का फुल्का जोक करते हुए मैंने पूछा कि अच्छा मैं स्कूल बनाऊंगी तो आओगे. येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली मतलब फुर्सत से, स्माइल करते हुए उसने कहा हाँ हाँ मैं आऊँगा, ब्रॉडली एकदम चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्माइल थी. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़कर आ रहा था. इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, उसने पूछा. इट टेक्स longer टू बिल्ड अ स्कूल, इट टेक्स longer, बहुत लंबा समय लगता है स्कूल बनाने में. आई से, मैंने कहा, यहाँ पर एक्चुअली लिखा है आई से, मैं कहती हूँ, तो चलता है स्टोरी टेलिंग में, कई बार आपको प्रेजेंट दिखेगा, ओल्ड फैशन इंग्लिश है तो इस पर अपना जाए. न्यूज़पेपर में कैसे हेडलाइंस वगैरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, उसी तरीके से. फिर है आई से, मैंने कहा, embarrassed at having made a promise that was not meant. Embarrassed, ऐसी चीज़ों पे embarrassed होकर के, embarrassed का मतलब क्या है कि शर्मिंदा होकर के, at having made a promise, कि मैंने promise कर दिया that was not meant, जिसका कोई मतलब ही नहीं था. तो कहीं ना कहीं hollow advice था कि स्कूल जाओ, वो बेचारा सीरियसली ले बैठा, तो शर्मिंदा होते उसने कहा कि वक्त लगता है स्कूल बनने में. बट promises लाइक माइन, जैसे मैंने प्रॉमिस कर दिया, इस तरह के जितने भी वादे हैं, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. अबाउंड का मतलब है कि एग्जिस्ट, बहुत ज़्यादा इस तरह के promises. अबाउंड का मतलब है कि प्रचुर मात्रा में होना. तो कह रही है लेखिका कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया, इस तरह के जो वादे हैं वो बहुत ज़्यादा है, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. वर्ल्ड मतलब संसार, ब्लीक मतलब जो निरस है, दुख भरा जो उसका जीवन है, उसके हर कोने में, हर इंच पर इस तरह के कई वादे हैं. आगे देखते हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो कहता है, अनाउंस मतलब बताता है, उसने बताया साहिब आलम कि मेरा नाम है साहिब आलम. ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे क्या पता कि इसका मतलब क्या है. ही डज नॉट नो, नहीं जानता वॉट इट मीन्स, इस नाम का मतलब क्या है. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे इस नाम का मतलब पता होता. क्या मतलब है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का मालिक. ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम, हार्ड टाइम का मतलब है डिफिकल्ट, तो उसको यकीन करना मुश्किल होता है. ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वो यकीन नहीं करता कि अच्छा मैं यूनिवर्स का मालिक हूँ, मेरा ऐसा नाम है और मैं करके आ रहा हूँ, कचरे बिन रहा हूँ.
अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स। अनअवेयर का मतलब है कि नहीं पता है, तो इस बात से बिल्कुल अज्ञान कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमता है विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एन आर्मी बेयर फुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। और उसके जो दोस्त हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि अपने दोस्तों के साथ एक एक्चुअली लाइट चली गई, यहाँ रूम हीटर है और इन्वर्टर लोड नहीं ले रहा था। एनीवेज चल गए। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? तो उसके जो दोस्त हैं, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर, तो नंगे पैर जो लड़के हैं जिनके पास जूते चप्पल नहीं है, उनकी पूरी एक फौज है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो आ जाते हैं, अपीयर मतलब प्रकट होते हैं, यानी कि वो दिखते हैं जैसे मॉर्निंग बर्ड्स होते हैं, सुबह सुबह जैसे पक्षियाँ दिखती वैसे वो दिखते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, मैंने सबको पहचानना शुरू कर दिया। आई हैव कम टू रिकोगनाइज मतलब मैंने पहचान लिया सबको कि हाँ भाई महीनों लग गए बट पहचान सकते हैं। वाई aren't यू wearing चप्पल्स, तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहन रहे हो? आई ask वन, मैंने एक से पूछा चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ का मतलब जो ताखा होता है। तो एक ने कहा माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, मेरी माँ ने उतारा ही नहीं जी, ताखे से नीचे उतारा ही नहीं, ऊपर कुछ होगा रखने वाला उसे उतारा नहीं। ही आंसर सिंपली, सिंपल उसने ऐसा आंसर दे दिया। इवन इफ शी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ। अब किसी ने कहा कि इवन इफ, भले ही शी डिड, अगर वो उतार भी देती, ऐसा वो कर भी देती, ताकि से उतार देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो फेंक देगा उसे। एड्स एनोदर हु इज वेयरिंग शूज, एड्स एनोदर मतलब एक और बंदा है वो इस बात को कहता है, एक मिनट, हु इज वेयरिंग शूज, जो कि जूते पहन रखा था, दैट डू नॉट मैच, जो जूते उसके मैच भी नहीं करते। तो जिसने जूते पहने थे वो कह रहा है कि अरे इसकी माँ अगर उतार भी देती तो कौन से पहन लेता है। चलिए, व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। शफल का मतलब, एक तो शफल होता है ताश को ऐसे शफल करते हो, वो भी शफल है। शफल का मतलब पैर घसीट कर चलते हो, वो भी शफल है। या जूते मतलब पैर को इधर उधर ऐसे कर लेते हो, वो भी शफल है। तो उसने पैर अपने थोड़े से हिचकिचाकर पैर को छुपाया, शफल कर लिया, इधर उधर कर लिया, ठीक ऐसे कुछ कर लिया। स्पीट एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहा उसने। यहाँ पर सेज है बट हम इसको पास्ट ही समझेंगे। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, जो तीसरा लड़का था वो कह रहा है कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर, अजीब हो रहा है यहाँ तो माउस से, ठीक है ना, हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, वो लड़का, उसने कभी अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते भी उसको नसीब नहीं था, उसने कहा मुझे जूते चाहिए। अब देखिए, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री का मतलब पूरे कंट्री में ट्रैवल करना। आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट, तो पूरे कंट्री में ट्रैवल करते हुए मैंने देखा, आई हैव सीन, मैंने देख रखा है बच्चों को वॉकिंग बेयर फुट, क्या वो मतलब नंगे पैर वो घूमते हैं। इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, तो शहरों में गांव के रोडों पे मतलब ऐसे ही नंगे पैर बच्चे घूमते हैं, तो इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, बट अ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन है टू स्टे बेयर फुट, नंगे पैर रहना एक परंपरा है, रहना है जी, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि नंगे पैर रहना है। आई वॉन्डर, मैं चकित हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इफ मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये एक एक्सक्यूज़ है, ये भी एक तरीके का बहाना है टू एक्सप्लेन, अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो है एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी है परपेचुअल जो कभी ना ख़त्म होगी, ऐसी गरीबी है, इसको आप ये कहकर एक्सप्लेन करते हो कि नहीं बस ये शौक नहीं है जी, जूते चप्पल नहीं पहनते, इसलिए आई वंडर, मैं सरप्राइज हूँ। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक स्टोरी याद है, अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, अ मैन एक बंदा था, कहाँ से था, फ्रॉम उडीपी, उडीपी नाम की जगह, वहाँ से एक बंदा था, वंस टोल्ड मी, एक बार उसने मुझसे कहा कि एज अ यंग बॉय, एक यंग बॉय के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था, या वुड का मतलब है पास्ट, यूज टू होता है ना, वैसे वुड भी काम करता है, ही वुड गो टू स्कूल, स्कूल जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक ओल्ड टेम्पल के
पार, उसके उधर पास्ट लिखा है उसके उधर जाता था, वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता जो थे प्रीस्ट थे, पुजारी थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकता था एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए वो प्रार्थना करता था वो लड़का। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके टाउन गया एंड द टेम्पल, उस मंदिर में गया, विच वॉज नाउ टाउन इन द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। वैसे तो ड्राउन का मतलब होता है डूब जाना, तो थोड़ा घुमा के लिखा कि ड्राउंड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन का मतलब होता है तन्हाई, तो तन्हाई में कहीं गुम हो गया था वो मंदिर, यू नो, उस हवा में, तन्हाई की हवा में कहीं ना कहीं वो डूब गया था। इन द बैकयार्ड, पीछे पीछे वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, एक नया जो प्रिस्ट था, पुजारी था, वो रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और जो सफ़ेद है वो प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, अ यंग बॉय, एक यंग लड़का था, ड्रेस्ड इन, ये ड्रेस्ड क्या, पास्ट पार्टिसिपल है, बता रहे कि एक लड़का था जो किसने ड्रेस पहना हुआ था ग्रे यूनिफॉर्म का, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने जूते और जुराबे पहनी हुई थी, अराइव्ड, वो पहुँचा, पैंटिंग, हाँफता हुआ पहुँचा, पैंट का मतलब हाँफना, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ, पैंटिंग, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आ गई, अनदर बॉय हैड मेड, जो एक और लड़के ने प्रार्थना की थी टू द गॉडेस, भगवान से, देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए थे तो उसने प्रार्थना की थी, लेट मी नेवर लूज देम, कि भगवान मैं कभी इन जूतों को खो न बैठूं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उस देवी ने उसको मतलब तथास्तु बोला, ग्रांट कर दिया प्रेयर को, कि जा बेटा सक्सेसफुल रहो। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जो भी यंग लड़के हैं, जैसे कि उस पुजारी का बेटा हो गया, नाउ वोर शूज़, अब वो जूते पहन चुके हैं, मतलब पहने हुए हैं, बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन बहुत सारे भी ऐसे बच्चे हैं जो कि रैक पिकर्स हैं, जो कि कचरा बिनते हैं, जो मेरे पड़ोस में हैं, रिमेन शूलेस, उनके पास जूते नहीं, तो ये बात है। आगे देखें, माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स, अक्वेंटेंस मतलब जो परिचय, जो मेरा जो परिचय है, जान पहचान है, किसके साथ, जो नंगे पैर जो रैक पिकर्स हैं, जो कचरा बिनते हैं, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, ले जाते हैं। सीमापुरी लिखा हुआ है उसके बारे में, कॉमा है, ये अपोजिशन है, क्या है कि अ प्लेस, सीमापुरी क्या है भाई, तो अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पेरीफेरी में, पेरीफेरी मतलब जो बाहरी इलाका है, वहाँ पर एक जगह है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, अभी भी बहुत दूर है, अच्छा मेटाफोरिकली, अच्छा देखिए दिल्ली के बाहरी इलाके में है लेकिन अभी भी बहुत दूर है, अब थोड़ा सा ना एक कहते हैं ना टॉन्ट मारने वाला किया है, मेटाफोरिकली का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा बोलना है कि जैसा है नहीं बट मान लो कि वैसा है, जैसे मैं बोलूँ कि आजकल तो आकाश में उड़ रहा है, तो वाकई थोड़ी उड़ रहा है, तो थोड़ा मेटाफोर लगा देते हैं, तो मेटाफोरिकली कह रहा है कि दिल्ली का हिस्सा तो है, दिल्ली के पेरीफेरी में है बट अभी भी बहुत दूर है, यानी कि अभी भी कुछ दिल्ली वाली बात नहीं। देखते हैं, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स, तो वो लोग जो यहाँ पर रहते हैं सीमापुरी में वो स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स का मतलब क्या है कि बाहर से आए हैं, कहीं पर ज़मीन पर कब्जा करके रह रहे हैं, तो स्क्वाटर्स है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हैं बैक इन 1971, एकदम उस समय 1971 में आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम, साहब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस वक्त जो सीमापुरी था वो बहुत ही सुनसान खुला जगह, जहाँ पर डंपिंग वगैरह, कचरा फेंको, कुछ भी करो, गंदा पानी, ये सब वाइल्डरनेस था सब कुछ। इट स्टिल इज, अभी भी वैसा ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी एम्प्टी नहीं है, बिल्कुल खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जो कुछ घर वर बने हैं जो कि मड के हैं, विद रूफ्स ऑफ टीन, टीन की छत बने हुए हैं, तारपोलिन, कोई ऐसा तारपोलिन मतलब क्या बोलते हैं वो, जो टेंट जैसा है जो वाटरप्रूफ होता है, तारपोलिन है, डिवाइड ऑफ सीवेज, सीवेज नहीं है उनके पास, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, न पानी का प्रॉब्लम, मतलब सब कुछ प्रॉब्लम है, कहीं नहीं, डिवाइड का मतलब वंचित है, वंचित है किस चीज़ से, सीवेज से, ड्रेनेज और रनिंग वाटर से वंचित है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, कम से कम 10,000 जो रैक पिकर्स है वो सीमापुरी में वहाँ रहते हैं, जिनको सारी सुविधाएँ नहीं है, दे हैव लिव्ड हेयर, ये बड़ा मुश्किल है माउस का आज तो, क्या हो रहा है देख रहे, क्या हो रहा है, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, ये कहाँ सिलेक्ट हो रहा है, एनीवेज दे हैव लिव्ड हेयर
वो यहाँ रह रहे हैं फॉर मोर देन थर्टी ईयर्स। देखिए यहाँ एक्चुअली हैव लिव्ड हियर, आप समझ रहे हैं, ये जो देखने में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक और नियम है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली फीलिंग भी इसमें दे सकते हैं कि दे हैव लिव्ड हियर का मतलब है दे हैव बिन लिविंग हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा हो गए यहीं पर रह रहे हैं, विदाउट एनी आइडेंटिटी, कोई पहचान नहीं है, विदाउट परमिट्स, कोई परमिट्स नहीं है, कोई परमिशन नहीं, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स, राशन कार्ड है दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जो वोटर्स लिस्ट, अच्छा वोटर लिस्ट में इनके नाम भी आ जाते हैं, इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इनसे इनको ये भी मिल जाता है कि ये अनाज वगैरह खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, मतलब किसी पहचान के मुकाबले जो भोजन है वो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे का मतलब है कि अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवार को खिला सके, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और हम सो सके बिना एकिंग, एक मतलब दर्द, बिना पेट में दर्द के अगर हम सो सके, वी वुड रैदर लिव हेयर, हम यहीं रहना पसंद करेंगे देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, ऐसे फील्ड में जहाँ पर हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा उसके मुकाबले तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ हमें खाना मिलेगा। ठीक है ना, ये जो वुड रैदर है, वुड रैदर का मतलब होता है क्या कि आई वुड रैदर स्टार्ट अ बिजनेस देन वर्क इन योर कंपनी, तुम्हारे कंपनी में काम करने से अच्छा तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, तो वुड रैदर का इस्तेमाल है। आज बिल्कुल ये माउस वाउस काम नहीं कर रहा, बहुत ही मुझे अजीब लग रहा है, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है जो मैं चाह रहा हूँ होने रहा। खैर मैनेज कीजिए, कल से देखेंगे। चलिए से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, तो ये सारी बातें कौन कर रही हैं, एक ग्रुप ऑफ वुमेन कर रही हैं, मतलब एक बहुत सारी औरतों का ग्रुप है, वो कह रही हैं टैटर्ड सारीज, टैटर्ड जिन्होंने पहना हुआ है, इन टैटर्ड सारीज यानी कि जिन्होंने पहना हुआ है चीथरे वाले फटे पुराने, टैटर्ड मतलब वही होता है फटे पुराने सारीज पहने हुए। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हेन दे लेफ्ट देयर, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, जब लेखिका ने उससे पूछा, उन औरतों से पूछा जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उनसे पूछा कि तुमने क्यों छोड़ दिया अपने सुंदर जगह को जहाँ पर हरियाली थी, नदी थी, तो उसने कहा कि ऐसे जगह में रहने से क्या फ़ायदा है जहाँ पर खाना ना मिले, हम तो यहीं रहेंगे जहाँ पर हमें खाना मिले और हम बिना पेट में दर्द के सो सकें। ये बात है, वेन एवर दे फाइंड फूड, जब भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर, अच्छा वेयर एवर है, जहाँ कहीं भी, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, पिच का मतलब डेरा डाल देते हैं, अपने टेंट को वहाँ पर पिच कर देते हैं, वहाँ पर लगा देते हैं, अपना डेरा डाल देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, वो एक तरीके का ट्रांजिट होम बनता है, ट्रांजिट मतलब कि आज यहाँ कल वहाँ, आवागमन वाला घर बन जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देयर, चिल्ड्रेन उन्हीं ट्रांजिट होम्स में बड़े भी हो जाते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइवल में वो पार्टनर बनते हैं, वैसे ही वो जीते हैं, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और वहाँ पर जीने का मतलब है कि आप कचरा बिनो, तो कचरा बिनने में वो पार्टनर बन जाते हैं। थ्रू द ईयर्स, अगर पूरे साल देखे, इट हैज़ अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, मतलब कि ये जो कचरा बिनना है, ये जो रैक पिकिंग है, इसने मतलब प्रोपोर्शन मतलब भाग हो गया है, अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, एक तरीके से क्रिएटिविटी आर्ट का हिस्सा बन चुका है, ये फाइन आर्ट बन चुका है, एक कला हो गई है कि कचरा बिनना भी एक कला हो गया है इतने सालों में। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए जो कचरा है वो सोने से कम नहीं, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनका रोज का खाना है, रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पर जो छत है वो यही है, इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो छत लीक कर रहा हो लेकिन कचरा बिनने से उनके छत पर, उनके सर पे छत आता है, उन्हें खाना मिलता है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए तो इससे भी ज़्यादा है, मतलब बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, उनके लिए तो कचरा बिनना और भी बहुत कुछ। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी तो मुझे एक रुपये मिल जाता है, तो बच्चों के लिए भी है, इवन अ टेन रुपीज़ नोट, कभी कभी तो 10 रुपये का नोट मिलता है साहेब से, जैसे साहेब कहता है, इज आईज लाइटिंग अप मतलब एकदम चमक रहा है, तो उसकी नज़रें चमक रही हैं, वो कह रहा है कभी 1 रुपये मिलता है, कभी 10 का नोट भी मिल जाता है। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर क्वाइन इन अ हिप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, यहाँ पर लिखा है कि वैन यू कैन फाइंड, जब आपको एक सिल्वर क्वाइन मिल जाए हिप ऑफ गार्बेज, गार्बेज के ढेर में, कचरे के ढेर में अगर आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हो, कचरे को स्क्राउंज करना बंद नहीं करते हो, क्योंकि फॉर का मतलब है क्योंकि, देर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि एक उम्मीद है कि और भी मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा लगता है, इट सीम्स का मतलब कि ऐसा लगता है दैट, यह कि फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग,
डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पर है कि बच्चों के लिए जो गार्बेज है, हैज़ अ मीनिंग, गार्बेज का एक मतलब है, डिफरेंट फ्रॉम, जो अलग है, वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप को गार्बेज से कुछ और मतलब निकालते हैं वो, लेकिन बच्चों के लिए कुछ और। माँ बाप को लगता होगा कि चलो हम सर्वाइव कर रहे, बच्चों को लगता है कुछ ना कुछ मिलेगा, आज तो कुछ मिलेगा, उनके लिए अलग मतलब। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वॉन्डर, ये लपेटा हुआ है वंडर में, सरप्राइज का एक लपेटा हुआ चीज़ है कि आज क्या मिलेगा, कल क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन्स, एक साधन ऑफ सर्वाइवल, एक जीने का सहारा है, एक साधन है बस। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी, मैं देखती हूँ, साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट, फेंस्ड मतलब जो घेरा लगा हुआ है, उस गेट के सहारे जो है साहब वहाँ पर खड़ा था, ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड में कोई क्लब होगा, क्लब वगैरह में कैसे क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, स्विमिंग पूल होता है, तो क्लब के, क्लब का जो फेंस गेट था उस गेट पे वो खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, वो देख रहा था, वॉचिंग, वो देख रहा था टू यंग मैन को, दो नौजवान लोग थे, ड्रेस्ड इन वाइट, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने थे और टेनिस खेल रहे थे, उनको ये देख रहा था साहब। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है, ही हम्स, वो हम मतलब एक तरीके से गुनगुनाता है, ऐसे बोलता है, मुझे गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट, कंटेंट का मतलब है संतुष्ट, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, तो वो संतुष्ट था इसको देखकर, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस मतलब वो जो फेंस था, वो घेरा था, उस घेरे के पीछे खड़ा होके ही वो संतुष्ट था। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, देखिए आई, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आई गो इनसाइड, समझ रहे हैं ना गाइस, ऐसे ही देख लीजिए, आई गो इनसाइड कि मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता, व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ, ही एडमिट्स, वो इस बात को स्वीकारता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, द गेट कीपर, जो गेट कीपर है, जो दरवान है, जो गार्ड है, लेट्स मी यूज द स्विंग, वो मुझे झूला इस्तेमाल करने देता है, अंदर एक झूला भी है, वो इस्तेमाल करने देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, तो साहेब टू यानी कि साहेब जो है, ये क्या होगा, हो रहा है, देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, कोई नहीं। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, जो साहेब है उसने भी टेनिस का शूज पहना हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज, दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़ा ही अजीब लग रहा है, ओवर हिज डिसकलर्ड शॉर्ट, उसने जो अजीब से कलर का, डिसकलर, जो कलर उतर गया वैसा शर्ट पहना है, उस पर ये जूते अजीब लग रहे हैं, एंड शॉर्ट्स, और उसने शॉर्ट्स पहने, उस पर जूते अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ये जो जूते हैं किसी ने मुझे दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करने के अंदाज में उसने कहा, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई तो ये है कि किसी अमीर लड़के के फेंके हुए जूते, डिस्कार्ड, निकाल दिए हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, इसने शायद पहनना छोड़ दिया, रिफ्यूज़ कर दिया है, बिकॉज ऑफ द होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन दोनों में से एक में होल हो गया, तो उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। देम डज नॉट बॉदर हिम, तो डज नॉट बॉदर हिम, तो ये चीज़ भी उसको परेशान नहीं करती है। फिर से देख लीजिए, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के का फेंका हुआ शूज है, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम, उसने उसको मतलब वेयर करना छोड़ दिया है, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन देम, बिकॉज होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम, तो उसमें एक छेद था और उसने इस जूते को पहन लिया साहेब ने, ये उसको बॉदर नहीं करता है, डज नॉट बॉदर हिम, क्लियर है। चलिए, फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, फॉर वन, ऐसे लोगों के लिए, हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, जिसने नंगे पैर कभी घूमा है, नंगे पैर रहा है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, तो अगर उसे जूता मिल जाए जिसमें छेद क्यों ना हो, वो भी एक सपना है जो उसका पूरा हो गया, जो जिंदगी भर नंगे पैर रहा है, उसे छेद वाला ही जूता मिल जाए तो वो सपना है ना, उसका सपना पूरा हो गया जूते का। बट द गेम इज वॉचिंग, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, जूते तो उसे मिल गए, लेकिन जिस गेम को वो देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, बहुत ही एक इंटेंशन के साथ, बहुत ही खुश होकर जो देख रहा है, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वो उसके पहुंच से बाहर है, बहुत ही चाव से देख रहा है, इंटेंटली है ना। देखिए, दिस मॉर्निंग,
दिस मॉर्निंग, आज की जो सुबह है, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, अपने रास्ते में है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कमंडल है, कैनिस्टर है, केन है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, रोड के पास, डाउन द रोड का मतलब कि रोड पर एक टी स्टॉल है, उस पर मैं काम करता हूँ, ही सेज, वो कहता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, एक डिस्टेंस में ऐसे उंगली दिखाते हुए कहता है वहाँ पर मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और मुझे खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पे जो मैंने देखा है कि वो जो केयर फ्री, जो बेपरवाह, बेधड़क जो पहले लुक था ना, जो वो कचरा चुनता था, वो नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी, वो जो स्टील कैनिस्टर है वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ही भारी है देन द प्लास्टिक बैग, वो जो प्लास्टिक का बैग रखता था कचरा चुनने के लिए, उसके मुकाबले स्टील कैनिस्टर भारी है। फिजिकली भारी नहीं है, मतलब वहाँ वो केयर फ्री काम करता था ना, जब मर्जी कचरा बिन लिया, और यहाँ पर किसी के अंडर में प्रेशर में डांट सुनकर काम कर रहा, तो ऐसे घुमा के लिखा गया। ही वुड कैरी, वो जो कैरी किया करता था सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर में मैं लाइटली ऐसे रखता था और घूमता था, लेकिन ये जो कैनिस्टर है ये थोड़ा सा भारी लग रहा है। बैग वॉज हिज, वो जो बैग था वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, कैनिस्टर उस आदमी का है हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब जो साहेब है वो खुद का मालिक नहीं है, जब तक वो कचरा बिनता था खुद का मालिक था, वो खुद का मालिक नहीं। तो कुछ समझ में आया, मैंने बस ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आप समझ सकें जो भी कहानी थी। तो बस यही है, इसके दो हिस्से हैं, तो एक हिस्सा हो गया है, बाकी दूसरा हिस्सा अगले वीडियो में आएगा। दूसरा हिस्से में क्या है, दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।